ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुख करते खबरों की ओर। बता दें, बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आ रही है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकी मिली है। मामले में सर्विलांस डीसीपी साउथ को जांच सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि जांच में कॉलर की लोकेशन दिल्ली मिली है। वहीं इस खबर के बाद पुलिस कमिश्नर के आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ पुलिस को जान से मारने की धमकी मिली है। जांच में दिल्ली मिली कॉलर की लोकेशन बताई जा रही है। मामले में सर्विलांस डीसीपी साउथ को जांच सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि जांच में कॉलर की लोकेशन दिल्ली मिली है। वहीं खबर के बाद पुलिस कमिश्नर के आवास की भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अधिक जानकारी के लिए अभी हम जुड़ेंगे हमारे संवाददाता शाबाद से। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है शादाब? दिन दहाड़े पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकी मिल रही है। देखिए, अभी हम आपको बता दें कि 112 मुख्यालय पे डीके ठाकुर लखनऊ कमिश्नर हैं, उनको जान से मारने की धमकी मिली है। हालांकि डीसीपी साउथ उनको जो है जांच दे दी गई है और उन्होंने सर्विलांस से चेक भी किया गया है। तो पहले उसने अपनी लोकेशन लखनऊ बताई थी, मगर चेक करने पे वो लोकेशन दिल्ली बताई गई है। मुकदमा लिख दिया गया है, अब जांच की जा रही है। हालांकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी सीएम मुख्यमंत्री को भी यहाँ पे जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। जी, क्या कुछ धमकियां मिली है आपको? कुछ जानकारी मिल पाई है? जान से मारने की यही धमकी थी कि जो है हम आपको मार देंगे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी फिलहाल जो अभी अधिकारियों से बात हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना कि अभी जांच चल रही है, अभी कुछ कहना मुश्किल है कि किस लिए उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर को जान से मारने की धमकी मिली थी। हालांकि धमकी किस कारणों की वजह से दी गई है इस बात का भी पता नहीं चल पाया है, और किसने धमकी दी है इस बात का भी अभी खुलासा नहीं हो पाया है।